फॉर्म्स वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ यग प्रेपरेशन चाहे वो प्रील हो चाहे वो तो मेन्स डील करेंगे यूनियन बजट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जिसमें होंगे ट्वेंटी फाइव एमसीक्यूज विध एक्सप्लेनेशन और ये कंप्लीट बजट एनालिसिस रहेगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज एंड ये एमसीक्यूज आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको किसी भी पेपर में आ सकते हैं चाहे यूपीएससी है एच है, HHS है बैंकिंग है एस है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक कवरेज मिल जाएगी यूनियन बजट ऑफ इंडिया की बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे हमारे 16 स्टूडेंट्स एच पी अलाइड मेन्स दिया था जिसमें से टू की सिलेक्शन होगी है जो है आपके आदर्श शर्मा ए टी आई एंड मोहिनी इंस्पेक्टर ऑडिटर इसके साथ साथ अब वी हैव ओपन आर रजिस्ट्रेशन फॉर आर न्यू बैचेस आई एस एच एस अलाइड एस एस सी एंड ये जो एडमिशन uh, है आपको ये ऑनलाइन और ऑफलाइन बेसिस दोनों पे मिलेगी आप कॉल कर सकते हैं नाइन एट जीरो फाइव टू नाइन वन फोर फाइव जीरो पे या फिर आप लॉग इन कर सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट करियर पॉइंट शिमला डॉट कॉम इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे लगाना चाहते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस टू या अंडर ग्रेजुएट्स या ग्रेजुएट्स उनके लिए भी हमारे रेगुलर एंड वीकेंड बैचेस शुरू हो गए हैं जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा रेगुलर कंसेप्ट क्लासेस होगी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी विद जीडी सेशंस ऑन एवरी सैटरडे एंड रेगुलर ओरिएंटेशन भी मिलेगी एंड ऐसे स्टूडेंट्स जिनको फिजिबल नहीं है कि वो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आए या फिर ऑफलाइन uh, स्टडी ले उनके लिए हम लाए हैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस जिसमें आपको सेम चीजें मिलेगी सेम फुल कंप्लीट स्टडी मटेरियल, रेगुलर कंसेप्ट क्लासेस एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 24 फोर सेवन आवर्स ऑनलाइन सपोर्ट तो जल्दी से जल्दी आप हमको कांटेक्ट कीजिए एंड एनरोल कीजिए आप अपने डेमो सेशन के लिए तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो है यूनियन बजट दो हजार बीस इक्कीस इज द डैश बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो ये जो यूनियन बजट था जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट आपका पेपरलेस बजट भी यहाँ पे पेश किया है तो ये कौन से नंबर का बजट था इसका आंसर है सेवेंटी थर्ड अब देखिए सिंस 1947 अभी तक हमने 73 थ्री एनुअल बजट यहाँ पे पेश कर दिए है फोर्टीन इंट्रीम बजट फोर स्पेशल बजट अब यो ये यूनियन बजट है आर्टिकल एक सौ बारह में देखने को मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिसको रेफर किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब ध्यान दीजिए जो वर्ड बजट है इसको कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं किया है और जो बजट होता है इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर जो क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट टाइम यूनियन बजट वाज प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट फरवरी इन विच ईयर तो हाल ही में एक हमारी जो ब्रिटिश परंपरा थी उसको तोड़ा गया था जिसमें कि जो बजट था वो अब फर्स्ट फेब को यहां पे पेश किया गया तो ये कौन से साल हुआ था ये हुआ था आपके 2017 में लीड अरुण जेटली जी जो उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने पहली बार 1st फेब 2017 को कॉलोनियल एरा ट्रेडिशन को यहां पे खत्म कर दिया था और यहां पे रेलवे और एक और चीज की थी जिसमें जो रेलवे बजट था उसको भी हमारे यूनियन बजट के साथ मर्ज कर दिया था टू सेव टाइम एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड एफर्ट जो कि लगभग 92 टू ईयर्स के बाद ये हुआ अगला जो क्वेश्चन है एस पर यूनियन बजट दो टोटल कोविड 19 सपोर्ट मेजर्स टू द गवर्नमेंट एंड आरबीआई अमाउंट टू तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है आरबीआई है इन्होंने कितनी सपोर्ट दी है कितना फंड दिया है कोविड 19 सपोर्ट के लिए इट अमाउंट्स टू 27.1 लाख करोड़ रुपीस जो है आपका 30% परसेंट ऑफ जीडीपी जो आपका 30% परसेंट ऑफ जी है टोटल इंडिया का ये इतना सपोर्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई ने दिया है कोविड नाइनटीन पेंडेमिक के लिए अब हाल ही में हमारे जो बजट है इसमें शेप्ड इकोनॉमी की बात की है जो हमारा जो पेंडेमिक की वजह से जो थोड़ा सा स्लो स्लो डाउन हुआ था इकोनॉमी का उसको रिवाइव करने के लिए यहाँ पे शेप इकोनॉमी की बात की गई है तो उसमें कितने पिलर्स यहाँ पे हमारे बजट पे है या जो हमारा पिलर है वो कितने पिलर्स पे यहाँ पे रेस्ट करता है इसका आंसर है सिक्स पिलर्स ये पिलर्स कौन कौन से है स तो ये जो छह पिलर है इसके ऊपर अब अपनी जो गवर्नमेंट है जो हमारा यूनियन बजट है वो रेस्ट करता है और यूनियन गवर्नमेंट इन सबके ऊपर यहाँ पे आपको काम करती हुई दिखेगी अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टोटल आउटले ऑफ न्यूली सेंट्रल पी एम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत तो एक नई स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है पी एम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत इसका जो काम क्या है और यहाँ पे इसमें कितना आउटले दिया है यहाँ पे जो आउटले दिया है वो है 64,180 करोड़ ओवर सिक्स इयर्स तो पूरे छह साल के लिए स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिसमें कि चौंसठ करोड़ रुपए यहां पे खर्च किए जाएंगे और ये जो स्कीम है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ये एम करती है डेवलपिंग द कैपेसिटीज ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ सेक्टर तो ये पूरी की पूरी आपके हेल्थ सेक्टर को बूम करने के लिए स्कीम लाएगी है और ये फोकस करेगी स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन जो पहले के हमारे यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूशन है हेल्थ के उनको स्ट्रेंथन करना है साथ में कुछ ऐसे नए इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करना है जो आपके जो जितने जैसे आपके कोविड एक न्यू डिजीज था एक पेंडेमिक था उस तरह के कोई भी ऐसा डिजीज होता है जो न्यू है है उसको उसको डिटेक्ट कर सके और टाइम रहते क्योर कर सके इट विल बी एन एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वच्छ भारत स्कीम जो अर्बन के लिए आई है 2.0 उसका टोटल आउटले कितना रखा गया है उसका आउटले है 1.41 करोड़ जो है आपका 1 लाख 41,678 करोड़ टू बी प्रोसाइज तो ये जो स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 इसको पांच साल के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद स्वच्छ भारत मिशन

एंड कम्युनिकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग तो आपके पास है ही तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इसको आप यहां पे ध्यान में रखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है विच मिशन हैज बीन अनाउंस्ड टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स अक्रॉस 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स तो कौन सी स्कीम है जो हाल ही में लॉन्च की जो इंप्रूव करेगी न्यूट्रिशनल आउटकम्स को तो ये जो स्कीम है ये है आपकी पोषण ये जो पोषण स्कीम है 2.0 ये यहां पे दोबारा से लॉन्च की गई है इसका सेकंड वर्जन पोषण अभियान का देखो ये जो पोषण 2.0 स्कीम है ये अम्ब्रेला स्कीम है कवरिंग द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आईसीडीएस आंगनबाड़ी सर्विसेज पोषण अभियान जो पहले से चल रहा था अब आप मुझे कमेंट करके बताइए जो पोषण अभियान था ये कब लॉन्च किया था एंड किस पैरामीटर में इसको लॉन्च किया था एंड इसमें और क्या इंक्लूड है 2.0 में स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स एंड नेशनल क्रेच स्कीम अब यहां पे चीज इंपोर्टेंट क्या है जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है और जो पहले का पोषण अभियान था उसको इसमें मर्ज कर दिया गया है एंड उसको लॉन्च किया गया है एज मिशन पोषण 2.0 नेक्स्ट जो एमसी2 है इंपोर्टेंट वो है हमारे जो

कंट्री की या नेशन की डेवलपमेंट ठीक है लेकिन इसका ऐसा कोई कन्फॉर्म नहीं है कन्फॉर्म होता है रूल मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये अपने कमर्शियल रिटर्न्स और उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे इसका सोल मकसद होगा आपके जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उनको फाइनेंस करे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन डेवलपमेंट अब ये डी था सेटअप किया जा रहा है फॉर वट पर्पस इसको सेटअप किया जा रहा है तो ये क्वेश्चन ये है इसको सेटअप किया जा रहा है जैसा मैंने आपको कहा फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ठीक है जी अब देखो डीएफआई प्रोवाइड फंडिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अब इंडिया यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करेगा ओपन करेगा जो होगा आपका नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एन बी एफ आई डी तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यहाँ पे लॉन्च करेगी गवर्नमेंट जो पूरा का पूरा आपका हंड्रेड परसेंट ओन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विद नो लिमिट्स मतलब यहां पे कोई भी लिवरेज नहीं होगी जैसे आपकी चाइना में भी इनका अपना बैंक है वहां पे थोड़ा सेवेंटी सेवन परसेंट वहां पे लिवरेज है हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ लिवरेज नहीं होगी कुछ लिमिट नहीं होगी तो इसको प्रपोज किया गया है विदिटलाइज इन कैपिटलाइज कितनी बीस करोड़ और यहां एक चीज देखनी होगी कि यह जो लैंडिंग पोर्टफोलियो रहेगा यह रहेगा एटलीस्ट फाइव लाख करोड़ विद इन थ्री इन ऑफ टाइम तो यह बहुत क्रुशियल हो जाता है आपके प्रीलियम से एंड मेन पॉइंट ऑफ व्यू से अब अगला जो क्वेश्चन है वो है वॉट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 2021 एंड 22 तो कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे गवर्नमेंट ने त्वे हमको बताया है वो बताया है 5.5 लाख करोड़ अगला है फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पे एक स्क्रैपेज पॉलिसी को अनाउंस किया है तो इसमें व्हीकल्स का फिटनेस टेस्ट होगा तो ये फिटनेस टेस्ट कितने साल के बाद किया जाएगा यहाँ पे आपको ये बताना है तो देखिए आंसर है ट्वेंटी इयर्स फॉर प्राइवेट व्हीकल्स तो जो प्राइवेट व्हीकल्स है उनका बीस साल के बाद फिटनेस टेस्ट होगा और जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनका पंद्रह साल के बाद uh, फिटनेस टेस्ट होगा अब देखो स्क्रैबेज पॉलिसी होती क्या है देखो एट अ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा जो आपकी वहीकल है वो ओल्ड हो जाएगी और बहुत ज्यादा पोल्यूशन आपका करना शुरू कर देती है तो उसके लिए तो उसको मेंटेन करने के लिए व्हीकल को इंपॉर्टेंट हो जाता है फिटनेस लेवल मेंटेन करना और इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या लाया है आपका ये फिटनेस या स्क्रैपेज पॉलिसी इसके साथ साथ हम इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा टैक्स भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है आपका ग्रीन टैक्स ठीक है तो इसको भी यहाँ पे गवर्नमेंट एड ऑन करेगी जो कि पुराने व्हीकल्स होंगे और उन सिटी से भी एड करेगी जहां पे जहां पे पोल्यूशन लेवल्स बहुत हाई रहते हैं अब ये जो पॉलिसी है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा अप्रैल 2022 के बाद मतलब नेक्स्ट ईयर से इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 2022 कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय कितना इंक्रीज किया है बाय व्हाट परसेंटेज तो इसको इंक्रीज किया है आपका ट्वेंटी सिंट. तो जैसे हमने कहा था तो जो हमारा बजट था ठीक है 4.39 लाख ,00 करोड़ से उसको इंक्रीस कर दिया है 5.5 लाख ,00 करोड़ जो से आपको हमने पहले पढ़ा था अब नेक्स्ट है रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री हैव एलोकेटेड कितना अमाउंट यहां पे दिया है इस मिनिस्ट्री को यहां पे इस मिनिस्ट्री को दिया गया है 1.1 लाख करोड़ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि रिसेंटली बजट में यहां पे बताया गया है अबाउट रेलवे को बहुत हाईलाइट किया गया है और एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि जितने भी गेज रेलवे ट्रैक्स है इंडिया में उनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा दिसंबर 2023 तक अब इसके लिए जो टोटल बजट एलोकेशन है रेलवे की कितने में से एक लाख करोड़ में से एक लाख दस हजार पचपन करोड़ तो रेलवे को ही दिया गया है फॉर इलेक्ट्रीफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक्स टिल दिसंबर 2023 इसके साथ साथ एक और चीज यहां पे बताई गई है कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है उसको भी इनोग्रेट किया जाएगा जून 2022 तक तो यहां पे रेलवे की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी जिससे कि आपका हेल्प मिलेगा बिज़नेस में में साथ ट्रांसपोर्टेशन में ईज होगी क्योंकि जो रोड्स है इनको एक तरह से बहुत ज्यादा खर्चा होता है गवर्नमेंट का और रेलवे को एक एक चीप सोर्स माना जाता है आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का अब यहाँ पे एनर्जी मिशन बारे में बजट में बात की गई थी तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कौन से एनर्जी मिशन को यहाँ पे लॉन्च करने की बात कही गई है तो ठीक देखिए आप यहाँ पे जो एनर्जी मिशन लॉन्च करने की बात की गई है वो है आपका हाइड्रोजन एनर्जी मिशन तो यहाँ पे बात करेंगे फोकस ऑन द यूज ऑफ हाइड्रोजन अब साथ में यहाँ पे उज्ज्वला स्कीम को भी एक्सटेंड करने की बात की गई है ओवर वन करोड़ मोर बेनिफिशरीज तो उज्ज्वला स्कीम बेसिकली आपकी रिलेट करती है एलपीजी गैस स्कीम के साथ अगर बात करेंगे इस हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के बारे में यहां पे जो थर्ड वीक है आपका हिंदू एनालिसिस का इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी गई है उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को भी देखे वीकली हिंदू एनालिसिस को वहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के रिगार्डिंग नेक्स्ट है एफ लिमिट इंश्योरेंस हैज बिन इंक्रीज टू तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है वहां पे लिमिट को कितना इंक्रीज कर दिया गया है तो वहां पे एफडीआई लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम फोर्टी नाइन टू सेवेंटी फोर परसेंट उसके बाद है बजट में अनाउंस किया गया था इंसेंटिव फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज

क्योंकि नो no होगी टू प्रमोट द स्टार्टअप बिजनेस नेक्स्ट है यहां पर हाउ मच अमाउंट वॉज पेड टू फार्मर्स फॉर वीट प्रोक्योरमेंट इन दो हजार बीस इक्कीस जो वीट प्रोक्योरमेंट है वहां पे कितना दिया था वो दिया था आपका 75,000 फाइव थाउजेंड करोड़ तो जो वीट प्रोक्योर बाय गवर्नमेंट फॉर फार्मर्स था वो था सेवेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ अगला है आउटले और एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर इस फाइनेंशियल ईयर को कितना दिया गया है तो जो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर है फाइनेंशियल ईयर इक्कीस बाईस का उसका टोटल आउटलेक दिया गया है सोलह सोलह पॉइंट पांच लाख करोड़ रुपीज तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है अब है व्हाट इज द डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 तक यहां पे डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट कितना दिया गया है ये दिया गया है वन पॉइंट सेवन फाइव लैख करोड़ रूपीज ठीक है अब इसमें डिस्ट्रेनमेंट किस किसकी की गई है ए की गई है एयर इंडिया और टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स लेकिन हाल ही में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पे पोर फोर पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे इंक्लूड कर दिए गए हैं, इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक्स एंड आईडीबीआई। अब हालांकि आईडीबीआई को गवर्नमेंट एक प्राइवेट एंटिटी मानती है लेकिन इस पे जो एल के शेयर्स है वो ज्यादा है अभी भी ये अंडर एल है तो इसको भी यहाँ पे प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन मतलब डिस की बात की गई है अगला है स्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड 2021 यहां पे कितना है तो जो फिजिकल डेफिसिट यहां पे पैक किया गया है वो है 6.8 सिक्स एट एंड यहाँ होगी जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसकी जो ग्रॉस मार्केट बॉरविंग टारगेट रहेगा वो रहेगा 12 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रॉस मार्केट बॉर्विंग टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2022 का डायरेक्टली रिलेटेड टू आपका फिजिकल डेफिसिट जो यहाँ पे की की बात की थी। अगला दो हजार बीस इक्कीस का फिजिकल डेफिसिट आपका रहा है नाइन पॉइंट फाइव और दो हजार इक्कीस बाईस को टारगेट किया है आपका 6.8। ठीक है अब गवर्नमेंट बोलती है जो फिजिकल डेफिसिट है हमने लाना है बिलो 4.5। कौन सा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे टारगेट करेगी 4.5 लाने के लिए गवर्नमेंट ये टारगेट करेगी फाइनेंशियल ईयर 2026 2026 तक गवर्नमेंट क्या करेगी जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है आपका उसको कम करेगी जैसे अभी 6.5 दिया है इसको कम करना है कितना 4.5 बिलो 4.5 कितने सालों में अब आने वाले छह सालों के अंदर है गवर्नमेंट नोटिफाई बॉडी रेगुलेटर फॉर गोल्ड एक्सचेंज तो गोल्ड एक्सचेंज अब कौन रेगुलेट करेगा गोल्ड एक्सचेंज अब रेगुलेट करेगा आपका सेबी सेटअप हुआ था ये 1992 में एंड इट इज अ अचुएटरी बॉडी ठीक है जी इसके ये एक बेसिकली क्वेश्चन जुडिशियल और क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है सेबी आपकी उसके बाद अब देखिए

स्कीम में कितनी इंसेंटिव कितनी फंडिंग की बात की है तो यहां पे बात की है पंद्रह सौ करोड़ की हेल्प इन आपका डिजिटल पेमेंट्स या प्रोमोट डिजिटल पेमेंट्स यहाँ पे इंडिया की ठीक है जी उसके बाद है गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है यहाँ पे फार्म सेग्रीकल्चर सेग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ठीक है एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस तो ये कितना यहाँ पे प्रपोज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रपोज किया है आपका टू पॉइंट फाइव लीटर पेट्रोल और चार लीटर

ये था आपके पे बजट के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है टॉप 25 क्वेश्चंस थे जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे एंड ये ये जो जो एक जनरल बात नहीं बोल रहा एज पर ट्रेंड्स है पिछले तीन चार साल के जैसे हमारे सो डायरेक्ट एक फैक्ट टाइप क्वेश्चन पूछते हैं हिमाचल के एग्जाम्स में प्लस आपको कुछ फैक्ट्स आपके आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलेंगे प्लस जो कंसेप्ट क्लैरिटी हुई है तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा इसके साथ साथ कमेंट कीजिए पोषण अभियान के बारे में ऑल्सो कमेंट कीजिए जो ये डबल द फार्मर इनकम है इसका क्या इस टाइम करंट सिनेरियो है जैसा अभी फार्म बिल्स वगैरह आए थे तो और आप सजेशन दीजिए कि किस तरह से हम आपके जो ये वीडियोस है एक अच्छे तरीके से आप तक ला सकते हैं इसके बाद आपको देखने को मिलेगी टॉप 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग जो कि बहुत क्रूशल पार्ट है आपका इकोनॉमिक्स का थैंक यू सो मच एंड बाकी जो हमारी गिरिराज सीरीज है और जो हिंदू सीरीज है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेक श्योर कि आप उसको चेकआउट कीजिए थैंक यू सो मच